तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट है जो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ प्रोटेक्शन मेथड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो बेसिकली मैं एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सी करना चाहता हूँ, एक ऐसा अटेंडेंस सी जो हर मंथ के लिए सेम हो। हर महीने में अलग अलग डेट्स होते हैं, अलग अलग टाइम्स होते हैं, अलग अलग डेज होते हैं, सैटरडे संडे अलग अलग डेट्स पे आते हैं, तो हर महीने मुझे अलग अलग करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे आपके साथ, एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जो कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे जो कि सबके लिए सेम हो। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने फाइल में दिखाया भी था आपको, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे मंथ लिया, मंथ में यहाँ पे मैं जैन फेब मार्च जो है जैन फेब मार्च दे दिया। अब यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बनना चाहिए तो डेटा सर अब वेरिएशन क्या क्या वो बनाएंगे, आवाज रुक रुक के आ रही है? क्या बोल रहा है, आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। सबको आवाज में प्रॉब्लम है एनीवे सिर्फ। सबको है सर, सबको। राकेश हमें तो आवाज क्लियर आ रही है नहीं मुझे भी आ रही है। कि अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी को नहीं है इसका मतलब है कि आप लोगों की इंटरनेट की प्रॉब्लम है। क्लियर नहीं आ रही है। अभी तो मैं बंद हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है जैन फेब नवंबर यहाँ पे दिसंबर। तो ऐसा करने से कंपनी क्या किया, डेटा में गया, डेटा मेन्यू बार के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट में हमने पूरा मंथ डाल दिया। इससे क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे जो भी मंथ सेलेक्ट करूंगा उस मंथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉई कोड हम दे देते हैं ई कोड, यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, सॉरी नेम पे सिर्फ मिस्टेक हो गया, नेम और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पे स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट कैसे बना, यहाँ पे 1 जनवरी कैसे बना, तो उसके लिए हम कॉन्केटनेट का इस्तेमाल करेंगे। बताया थे आपको कि दो टेक्स्ट को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में 1 डैश फिर एन परसेंट के साथ हमने जैन को ले लिया। ईयर इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ईयर लेने पे फिर वो फिक्स हो जाएगा इसलिए ईयर छोड़ दिया। लेकिन अभी जैन जो है टेक्स्ट में है, डेट नहीं है, क्योंकि तो इसके ऊपर अगर होम में जाके आप किसी तरह का डेट का फॉर्मेट डालेंगे तो देखिए आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि कॉन्केटनेट हमेशा क्या करता है टेक्स्ट रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना है सर वन क्यों लिखे हैं सर बोलिए, वन क्यों लिखे हैं इसमें सर? क्योंकि हर महीने का फर्स्ट डेट 1 तारीख से होता है ना, हमें 1 तारीख बनाना है ना। आप जो महीना में यहाँ सिलेक्ट करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा फेब तो 1 फरवरी आ जाएगी, मैं सिलेक्ट करूंगा मार्च तो 1 मार्च आएगा, 1 अप्रैल है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया 1-3 और थोड़ा चीजें कर। सर कॉन्केटिनेट करने के लिए वन कॉन्केटिनेट करने के लिए एन परसेंट का हम लगाते हैं सैंपल, सर समझ में आ गया आपको राजेश जी। चलिए अब इसमें हम आगे के डेट्स के लिए हम इक्वल करेंगे पहले वाले डेट्स को, इसमें +1 कर देंगे, क्या कर देंगे +1। अच्छा यहाँ कॉन्केटनेट करने के बाद मैंने +0 किया, इसको नंबर में कन्वर्ट डेट में कन्वर्ट करने का, और फिर इसको हमने आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। अच्छा मैं लेता हूँ जैन के हाईएस्ट जो है वो 31 दिन होती है, इसे मैं जैन ले लिया ताकि 31 दिन ड्रॉ कर सकूं, 22 यहाँ पे 31। ठीक है तो आप
यहाँ पे अगर जैन को लिया और यहाँ पे हमने फैब किया तो फरवरी आ गई, मार्च किया मार्च आ गए, मार्च आएंगे तो मार्च का डेट आ जाएगा, मई करेंगे तो मई का डेट आ जाएगा, जो डेट डालेंगे वो डेट आ जाएगा। अब डेट के साथ अपडेट जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में, हमने कस्टम में आपको बताया था कि हम जस्ट दो बार डी डी करेंगे, इसे 01 के फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद हम पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे जाएंगे तो जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लगाऊंगा टेक्स्ट का और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इन्वर्टर कॉमा में तीन बार डी डी करूंगा। ऐसा करने से सैटरडे संडे आ जाएंगे हमारे पास, और फिर इसको भी आगे के तरफ ड्रैग कर देंगे और फिर इसको भी सिलेक्ट करके पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी एक बॉर्डर पे डबल क्लिक करूंगा, इसको बोलते हैं ऑटो फिट, ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दी, अब यहाँ पे जीरो वन पे दिख रहा है, इससे मेरा एक पेज पे व्यू हो गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जैसे मैं यहाँ पे फैब कर रहा हूं तो ये देखिए तीन दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे मार्च कर रहा हूँ तो ठीक है, अप्रैल कर रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ यहाँ देखिए एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि ये हमारा 28 के दिन हो तो 28, 29 दिन तो 29 और 30 दिन हो तो 30 दिन है। तो किसी महीने का लास्ट डेट क्या है कैसे पता चले? देखिए जैसे मान लीजिए कि आज की डेट मैंने डाली और मुझे इस महीने की लास्ट डेट पता करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मन, इसको सिलेक्ट किया यानी कॉमा, यहाँ पे डी डी नहीं यहाँ पे जीरो देना होगा, जीरो ये आ गया 45। अब इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दूंगा या डेट का नंबर डालू डेट आ जाए, तो जो भी डेट मैं डालूंगा उस महीने की लास्ट डेट बता देगी। देखिए 1 फरवरी का 28 दिखा दिए। अब यही काम 28-29 से जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा जो कि मैंने नहीं कराया है, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंपल मैंने फॉर्मूले इस जो AE8+1 है इसके आगे इफ का फॉर्मूला लगा है कि इफ ये AE8+1 ग्रेटर देन EO मान, तो कोई भी एक डेट को ले लिया और कॉमा जीरो कर दिया, मतलब ये जो 28 है इसमें प्लस वन जोड़ करने पे क्या इस महीने की लास्ट डेट से बड़ा है? अगर बड़ा है तो यहाँ पे ब्लैंक कर दो, नहीं बड़ा है तो जो प्लस वन कर रहा है उसको करने दो। सिंपल सा हमने यहाँ पे लगाया, हमने बोला कि 28 तारीख में प्लस वन करने पे अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इस मंथ के लास्ट डेट है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज AE+1 कर दो। अब इसको आगे ड्रैग करने में एरर आने के चांसेस है क्योंकि ब्लैंक में प्लस वन होगा नहीं, इसलिए हम इसको इस एरर में डाल देंगे कि इस एरर अगर ये ब्लैंक हुआ एरर आया तो ब्लैंक कर दे। अब इसको हमें आगे की तरफ ड्रैग कर लेना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मई करता हूं तो मई का 31 दिन आएगा, अगर मैं यहाँ पे फरवरी करता हूं तो फरवरी का 28 दिन आएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है बट हमारा ये फॉर्मूला आगे नहीं बन रहे, तो इस फॉर्मूला में किसी को प्रॉब्लम है? सर लगाने का कि एंड में लगा क्या सर, ये स्टार्ट में लगा सकते क्या? स्टार्ट में क्यों लगाएंगे? नहीं नहीं स्टार्ट में नहीं लगेगा क्योंकि 28 दिन तो हर डेट में होगा ही होगा ना सर।
क्या 28 दिन तो हर हर मंथ में होगा ही होगा, कोई ऐसा मंथ तो नहीं है जिसमें 28 दिन से कम डेट होगा, ठीक है ना। स्टार्ट में भी आप लगा सकते हैं, यहाँ आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ लग जाए स्टार्ट में लग जाए तो आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, नीचे ड्रैग कर दीजिए स्टार्ट में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और आपको जो ये यहाँ पे ये एक तारीख को लेना है, इस एक तारीख को हमने करना होगा यो मंथ के अंदर जो हमने डी एक लिया है इसको करना होगा चेंज, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ईओ मंथ क्यों लिया सर? हमने अभी भी समझाया ना आपको, ईओ मंथ हर महीने की लास्ट डेट देता है। अब ईओ मंथ नहीं लेंगे तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि 28 दिन देना है या 30 दिन देना है या 31 दिन देना है? ओके सर, ओके सर, ठीक है। आप चलिए सर, ग्रेटर देन लिखेंगे सर, लेस देन में नहीं काम करेगा सर। ग्रेटर देन हमने कंडीशन आपने नहीं देखा, हमने बोला है कि अगर ग्रेटर देन है तो ब्लैंक कर दो, अगर आप लेस देन देते हैं तो ब्लैंक जो है सेकंड पार्ट में होगा, ठीक है। यस सर, ये किसी को डाउट है इस फॉर्मूले में तो बोल दीजिए। नहीं सर, हमें करना है कि हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा ये है सैटरडे संडे है वो येलो कलर हो जाए ताकि आइडेंटिफाई हो के वीकेंड्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया न्यू रूल्स के अंदर, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने लगाया इक्वल और के अंदर हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट किया ऊपर वाले को और बोला कि क्या ये सैटरडे है, फिर कॉमा और अगेंस्ट इसको सिलेक्ट किया और बोला क्या ये संडे है। अब जाहिर सी बात है कि जो डॉलर साइन है उसको हटाना पड़ेगा, तो कॉलम के आगे का जो डॉलर साइन है वो हटा दूंगा, रो को रख दूंगा और ये ट्रू फॉल्स पे वर्क करता है, इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपना येलो कलर सेलेक्ट करके ओके एंड ओके कर दिया एंड फॉर्मेट पेंटर लिया और हमने जहां तक मेरा डेटा हो सकता है वहां तक हमने प्रिंट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे फैब करूंगा तो फैब का डेटा आएगा, जैसे मैं यहाँ पे मार्च करूंगा देखिए मार्च का डेटा आएगा, और मान लीजिए कि मैंने जुलाई किया तो जुलाई का डेटा, इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम और करना चाहता हूं कि मुझे बॉर्डर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेम हम दे देते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा बॉर्डर का, यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे नंबर देते हैं 1 2 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए कोई ऐसा ही डाल देते डमी, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। अब बाकियों पे भी बॉर्डर लगाना है, लेकिन जो ऊपर अगर वैल्यू है तो जैसे यहाँ पे 28 तक है तो इधर बॉर्डर अप्लाई ना हो, तो मैंने यहां सेलेक्ट किया ऊपर सेलेक्ट करना होगा तो इसको चेंज करना होगा फॉर्मेटिंग के बाद में चेंज कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए न्यू रोज यूज फॉर्मूला और यहाँ पे लगाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिप्लेस हो सकता है यूज फॉर्मूला, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन नहीं होता है, ग्रेटर देन लेस देन लगा दीजिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करें, फॉर्मेट में जाए बॉर्डर में जाए और हमने पूरा राउंड बॉर्डर लगा दिया, ओके देन ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हमने अपने पूरे 31 कॉलम को प्रिंट कर दिया,
अब यहाँ हट गया डी डी वाला बात, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट से, ये चीज लास्ट में लगानी चाहिए। यहाँ पे दो बार डी डी कर दीजिए तो डेट 1, 2, 3 फॉर्मेट में आ जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं पेज लेआउट में डिजाइन व्यू को अनचेक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अगस्त किया तो अगस्त का डेट आएगा, सेप्टेम्बर किया तो सेप्टेम्बर, अक्टूबर किया तो अक्टूबर, नवंबर किया तो नवंबर, दिसंबर किया तो दिसंबर, इस तरह से। और ये आपका मानिए स्टेज वन है, क्योंकि जब हम बात करेंगे फॉर्मूले की तो मैं एक फाइल आपको दिखाता हूँ इसका अगला, इस प्रोजेक्ट का अगला स्टेप क्या हो। इसका अगला स्टेप ये होगा, इसमें हम इसके साथ साथ अटेंडेंस भी लाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जब भी अटेंडेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट सब डालते हैं। तो मैंने एक अटेंडेंस फॉर्मेट का एक ऐसा सेटअप तैयार किया था जिसमें आपको सिर्फ लीव एंट्री करनी है, तो हम कितना दिन छुट्टी पे है सिर्फ उसी चीज को एंट्री करना है। और यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कौन सा जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट किया तो यहाँ जनवरी का डेटा आ गया, ठीक है। अब जनवरी कौन सा 2023 है इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ कि उदय को 4 जनवरी में छुट्टी करा देता हूँ, लीव पे गए हैं, उदय का जो नंबर है कितना है, उदय का नंबर है 5, तो 5 नंबर रोल नंबर लिखा, डेट दिया 4 जनवरी और मैंने यहाँ पे कर दिया लीव। तो आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली लीव आ गया। तो यही नहीं, यहाँ पे काउंट भी हो गया कि कितना प्रेजेंट है, कितना वीक ऑफ है, कितना लीव है, हॉलीडेज है, कितना लीव है, एंड टोटल पेमेंट डेज क्या है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड प्रोजेक्ट। अब इसी से रिलेटेड आपका एक और प्रोजेक्ट होगा जो क्योंकि रिपोर्ट ऑटोमेशन क्लासेस में सैलरी ऑटोमेशन, जहां पे अटेंडेंस मेंटेन करते ही क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेम अटेंडेंस मेंटेन करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैलरी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी और सैलरी का पूरा डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक, तो ये सारा प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड है, फॉर्मेटिंग पे। अगर ऑटोमेटिक फॉर्मेट नहीं होगा 30 दिन 28 दिन 31 दिन ऐसे ऑटोमेटेड कैलकुलेट नहीं होगा फॉर्मेट में, तो फिर हम इस तरह की प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी रिपोर्ट में फॉर्मेट का अच्छा खासा रोल होता है, समझे आप लोगों को। चलिए हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, वो है प्रोटेक्शन, छोटा सा टॉपिक है इसलिए हमने आज कंसीडर कर लिया। आपने इस रिपोर्ट को बना के देखिएगा, ऐसे ही देखने से क्वेश्चन निकालने से नहीं हुआ, पहले ट्राई कीजिए, देन आपको प्रॉब्लम पता चलेगी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, बोलने की 2 सीट लिंक कैसे होगा सर, जैसे जो मेरे पास ऑफिस है उसमें लिंक, जैसे आपके पास जो है उसमें लिंक हो जा रहा है बट मेरे पास नहीं हो रहा है, लिंक होने का कोई तरीका है क्या 2 सीट को लिंक करने का, मतलब अगर सीट 1 सीट 2 है तो मैं सीट 1 में कोई चेंजेस करूं सीट 2 पर भी वो इफेक्ट नजर आए, या सीट 2 पर कर दे सीट 1 पे भी आए। स्पेशल करने की बात ये तो बताया था मैंने आपको, हम यहां पे कॉपी करेंगे और यहां पे जाएंगे, पिछली क्लास में ऐसे बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। सर इसी ऑप्शन से होगा जी, ऐसा और भी ऑप्शन है लेकिन फिलहाल इसी से कीजिए ना। ओके सर, ओके, ये तो आता है सर, चेंज करते हैं। दूसरा तरीका भी है,
आपका यहाँ पे डेटा एनवायरनमेंट फ्रॉम टेबल रेंज होता है, इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को छेड़छाड़ न कर सके, एक पर्सन डेटा को छेड़छाड़ न कर सके, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में यहाँ हम आते हैं प्रोटेक्ट शीट पे और राइट क्लिक पे जाएंगे प्रोटेक्ट शीट जाने के लिए। यहाँ से राइट क्लिक करके आ सकते हैं या फिर चले जाइए आप फॉर्मूला में और यहाँ आपने रिव्यू में ये आपको देगा प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और करेंगे प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद उससे पहले बता दूं कि एक्सेल में किस पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं। एक्सेल में पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं, तो पासवर्ड डालने से पहले ध्यान रखिएगा चीज का। ओके कर दिया। अब मैं यहाँ कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता, पर डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन के बाद भी कुछ कुछ चीजें करनी है। तो कैसे करें? तो मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट और यहाँ देखेंगे तो कई सारे चेक बॉक्स दिखेंगे। एक क्या है, ये अलाउ करती है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मेट सेल कर सकता हूँ या मैं फॉर्मेट कॉलम कर सकता हूँ या मैं इंसर्ट रो कर सकता हूँ या कुछ भी जो भी क्लिक करेंगे वो कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट सेल करके पासवर्ड डाल को क्लिक कर दिया, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बट किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते, अलाउंस होता है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पर्सन में डेटा को ये ना कर सके, सिलेक्ट ना कर सके, कॉपी ना कर सके, तो कॉपी को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ कॉपी करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है। यहां से हम सिलेक्शन की परमिशन हटा देते हैं, परमिशन हटा दिए, पासवर्ड डाले, ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम कहीं क्लिक करके किसी भी डेटा को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है डेटा सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी का भी कोई फायदा नहीं है। ओके, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी काम टाइप जो है मैं कर सकूं, तो इस एरिया में टाइप कर सको। लेकिन क्या है कि जब भी आप प्रोटेक्ट करते हैं सीट को तो यहाँ दिखता है प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट ऑफ लॉग सेल, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉग सेल। जो सेल हमारा लॉक है ना उसी पे हम कर सकते हैं, जो अनलॉक उस पे नहीं कर सकते। तो लॉक का मतलब हुआ इसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए फॉर्मेट सेल में। अब इस फॉर्मेट सेल के अंदर आपको प्रोटेक्शन वाले सेक्शन में ये यहाँ पे लॉक्ड अनलॉक्ड दिखेगा। तो जो अनलॉक्ड है इसका मतलब है कि इससे प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, जो अनलॉक्ड है इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस एरिया में पासवर्ड नहीं चाहिए। हमने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहां से मैंने लॉक को हटा दिया, मतलब ये एरिया अनलॉक्ड है, बाकी हमारा एरिया लॉक्ड है। अब सिंपल सा हमें पासवर्ड अप्लाई कर दे, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं बट यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं, सिंपल। अगर इसी का उल्टा करें कि पूरी सीट पे कहीं भी टाइप ना हो बट एक एरिया जो कि मैंने सिलेक्ट कर रखी है वो एरिया प्रोटेक्टेड रहे, तो हम पहले पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे? वन और ए के बीच जो ट्रायंगल होता है उस पर क्लिक कीजिए और फिर राइट क्लिक करके हमने फॉर्मेट सेल पे गए और यहां से लॉक को हटा दिए। अब जैसे ही इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आएंगे और लॉक को वापस लगा देंगे,
तो अभी क्या है कि सिलेक्टेड एरिया के अलावा सारा एरिया अनलॉक्ड है। अगर मैं अभी पासवर्ड डालता हूं तो क्या होगा कि यहाँ वर्क होंगे बट यहाँ पे वर्क नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका इसका पर्पस क्या है? तो चलिए एक छोटा सा डेटा हम तैयार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि क्वांटिटी लिखता हूँ, यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पे अमाउंट एमआरपी एमआरपी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे जीएसटी, कमीशन, टोटल, और फिर यहाँ पे जोन, और यहाँ पे डेट, और भी बहुत सारी एंट्री हो सकती है। तो ये जो हमारा अमाउंट है वो हमारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है। जो जीएसटी है वो अमाउंट का मेरे मान लीजिए 12% है। जो कमीशन है वो हमारे अमाउंट का 2% है, और टोटल इन सबों का सम। अब ये क्या है कि चार जो चीजें हैं कॉलम है, ये कॉलम मेरा कैलकुलेटेड। तो अब यहाँ पे मैं गए और यहाँ पे मैं मान लीजिए दिया पूजा नाम दिया, क्वांटिटी 20, एमआरपी 30 डाल के टैब प्रेस किया, तो एक सौ अपने आप आ गया। अब मुझे 4 सेकेंड लगते हैं डेटा को जोन और डेट बाकी एंट्री करने में। मैं चाहता हूँ कि जो कॉलम मैं चाहूँ उसी कॉलम पे सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले हम पूरी सीट को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक, फॉर्मेट से लॉक को हटा दिए, और वापस हमने डी कॉलम में यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे लॉक को लगा दिया। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी से इसको अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट शीट करते समय जो सिलेक्ट लॉक सेल आ रहा है ना, इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट अनलॉक सेल होगा, सिलेक्ट अनलॉक। ठीक है, कहीं क्लिक नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ओम, टैब प्रेस करता हूँ, डेटा डालता हूँ और फिर टैब देता हूँ, तो देखिए कर्सर डायरेक्ट हमारे जोन में चला गया। यहाँ पे हम जोन आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे डेटा। सर जो मतलब लॉग में टिक रहता है तो मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्ट को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है? जी जी। अच्छा, और जो उसके नीचे और एक हिडन का ऑप्शन, उसका क्या मतलब है? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो लॉग्ड रहता है जो वहां पर टिक करते हैं, तो इसका मतलब वो सारे सेल पासवर्ड को सपोर्ट करते हैं, राइट? जी हाँ बिल्कुल, ये तो मैं ही बोला आपको। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वो नहीं कर रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा ना, वॉइस भी मुझे कट रही है। और जो उसके नीचे हिडन का ऑप्शन, जो उसके नीचे हिडन का ऑप्शन है सर, वो किस चीज का है? बताता हूँ सर, वन बाय वन पढ़ेंगे ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम है हमारा, उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए सिटी है, और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वही पे क्लिक करूँ जहाँ पे मुझे टाइप करना है, तो तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से लॉक को हटा। अब राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट पे गया और यहाँ से लॉक को हटा दिया, अनलॉक को रहने दिया। अब देखिए मेरा कर्सर एंटर मारने पे सीधे वहीं पे जंप कर, तो जब फॉर्म वगैरह बनाइएगा तो इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी अभी दत्ता जी ने पूछा कि इसका यूज क्या है, मतलब कि इसमें हिडन का क्या यूज, तो मान लीजिए कि मैंने कोई फॉर्मूला लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कोई फॉर्मूला देख ना सके, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाए और यहाँ हिडन पे क्लिक करो। देखिए तभी वर्क करेगा जब सीट को करेंगे प्रोटेक्ट,
प्रोटेक्ट को सीट करके ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ब्लैंक हो गया, बट यहाँ पे जाइएगा तो दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो फॉर्मूला को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि दो सीट पे, मतलब ये मान लीजिए एक सीट पे दो फॉर्मूले लगा, दो पासवर्ड लगा, मान लीजिए एक सीट है जिसमें मिस्टर ए काम करते हैं तो दूसरे में मिस्टर बी काम करते हैं, ये रहा मिस्टर ए तो ये रहा मिस्टर बी, ठीक है। मैं चाहता हूँ मिस्टर ए मिस्टर बी को छेड़छाड़ ना करे, मिस्टर बी मिस्टर ए को छेड़छाड़ ना करे, सिंपल। तो उस केस में हम जाएंगे रिव्यू में और यह आएगा हमारा अलाउ एडिट रेंज। न्यू पे क्लिक कीजिए, मिस्टर ए यहाँ पे नाम मेरा नाम दीजिए और यहाँ पे जाकर मिस्टर ए का डेटा सिलेक्ट कर लीजिए जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ मिस्टर ए का पासवर्ड आ, ओके पासवर्ड कन्फर्म किया एंड ओके। फिर यहाँ पे न्यू पे गया, उसके बाद फिर वापस मैंने यहाँ पे मिस्टर बी के लिए बी लिख दिया, मिस्टर बी का एरिया सेलेक्ट किया और मिस्टर बी का डिफरेंट पासवर्ड रखेंगे, मिस्टर बी का डिफरेंस पासवर्ड, देन ये तभी वर्क करेगा, अप्लाई करो कीजिए तभी वर्क करेगा जब आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो प्रोटेक्ट शीट देन ओके, कुछ नहीं करना है, पासवर्ड डाल के ओके कर दिए। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ लेकिन आप लोग पासवर्ड डाल लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा मुझसे पासवर्ड पूछो, और मिस्टर ए का पासवर्ड मैंने दे दिया तो मिस्टर ए के एरिया में टाइप कर सकता हूँ, इसके अलावा कहीं और टाइप नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मिस्टर बी में जाऊंगा मिस्टर बी का पासवर्ड पूछेगा, मिस्टर ए का पासवर्ड नहीं चलेगा। एक सीट में आप इस तरह से अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कोई सीट डिलीट ना कर सके तो सिंपल सा यही पे दिखेगा आपको प्रोटेक्ट वर्क, वो कोई सीट डिलीट नहीं कर पाए, देखिए कोई डिलीट नहीं कर। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लग जाए, तो ओपनिंग पासवर्ड लगाने के लिए मुझे सेव एज करना होगा, क्या करना होता है सेव एज, ब्राउज में गए यहाँ पे सेव एज, और सेव एज करते समय टूल्स के अंदर यहाँ जनरल ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन पासवर्ड टू मॉडिफाई यहाँ डाल सकते हैं, दो अलग अलग पासवर्ड। लेकिन आप फाइल को सेव एज नहीं करना चाहते तो इन्फो के अंदर यही पे दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक में एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें आप पासवर्ड डालेंगे तो फाइल की ओपनिंग पासवर्ड हो जाएगी, मतलब कि बिना फाइल आपको पासवर्ड दिए आपका फाइल ओपन ही नहीं। ये थी हमारी प्रोटेक्शन मेथड कि आप किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते, ओके ठीक है। अल्पेश जी आप सुधो जी राकेश जी सर भी जी प्रैक्टिस कीजिए इसके, ठीक है। यस 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 सर, सेंड कर दीजिए वीडियो सर। जी जरूर जरूर सर, फाइल दोनों ओके सर। ओके अब हम बात करते हैं इसमें कुछ छोटे मोटे चीजों के बारे में जो कि उतनी खास नहीं, पहले तो इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं यहां से। रिव्यू अनप्रोटेक्ट मत को पासवर्ड डालिए वन। अब मैं यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हैं उस पर डिस्कस करते हैं, खास नहीं है, जैसे कि इंसर्ट रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, सीट इंसर्ट करना, सब यहाँ से नॉर्मल चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑटो सम है, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर्स देता हूँ तो मुझे इस नंबर्स को सम करना है, तो जनरली इक्वल और सम लगा के इसको सिलेक्ट करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, आपका सम जो है सिंपल है। उसी तरह फिल की बात करें, यहाँ पे वन एंड टू लिखते हैं तो नीचे ड्रैग करते हैं तो सम यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है, आप यहाँ पे इस तरह से भी सीक्वेंस कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे यहाँ देखिए आपके पास सीरीज है, सीरीज पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपका स्टार्ट कहाँ करना है, मान लीजिए मुझे 10 तक ही बनाना है तो 10 डाल दीजिए, यहाँ पे 10 तक सेल बन जाए, लेकिन मुझे सीरीज जो बनाना है वो 10 तक का नहीं बनाना है, मुझे पूरा सेलेक्ट बताना है, छोड़ दीजिए वैल्यू नहीं डालिए तो पूरा हो। इसी में आपका ग्रोथ आता है, सीरीज के अंदर ग्रोथ, तो मैं यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया तो हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर से मल्टीप्लीकेशन आपको दिखेगा, हालांकि इसका यूज नहीं होता, लेकिन हाँ हम ये यूज करते हैं डेट का,
जैसे इसी महीने का मुझे डेट का चाहिए, लेकिन सैटरडे संडे नहीं चाहिए, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे डेट चाहिए सर, वीकेंड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ आप सीरीज में जाइए, यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लीजिए, वीक डे एनोटे कर लीजिए, पूरा डेटा आपको सैटरडे संडे इसमें नहीं आएगा। इसमें जो मेन चीज सिखाने के लिए मैं बोला हूँ वो है फ्लैश सेल। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नाम डालता हूँ, नाम नाम में हमने दिया पूजा सिंह, मोहन कुमार वर्मा, उदय सिंह, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे नाम हैं आप, और मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। ये रहा हमारा फर्स्ट नेम और रहा लास्ट नेम। तो इसके लिए लोग टेक्स्ट टू कॉलम या बहुत सारे लगाते हैं, या आप सिंपली फ्लैश भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया सिंह और सिलेक्ट किया, और यहीं पे गए हम, यहाँ पे हमारा रहा, यहाँ पे रहा फ्लैश फिल, फ्लैश फिल पे क्लिक किए, देखिए फ्लैश फिल ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नाम किया, ये हटाते, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने क्या किया फ्लैश फिल, फ्लैश फिल देख रहे। उसे सिंह चाहिए तो मैंने यहाँ पे एस आई एन जी सिंह किया, और यहां पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फ्लैश फिल किया तो देखिए डेट। उसी तरह से मान लीजिए डेट है हमारे पास यहाँ पे, और डेट में से मुझे मंथ को अलग करना है तो नीचे तक ड्रैग करता हूँ, मंथ अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन, इसको सिलेक्ट किया और यहीं पे हमने कर दिया फ्लैश फिल। इस तरह से मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं उसमें डेसिमल से कुछ इस तरह से, हमें इसमें से सिर्फ डेसिमल को अलग करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 0.36 लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और स्लैश फिल करेंगे, मतलब जो आप किसी में से किसी पार्ट को अलग करना है उसके लिए हम यहाँ फ्लैश फिल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश फिल के बाद आता है यहाँ पे क्लियर कंटेंट, तो यहां से हम क्लियर ऑल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद यहां से करेंगे क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, और यहाँ पे हम क्लियर कंटेंट करेंगे सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, और यहाँ अगर हम क्लियर में हाइपरलिंक करें तो हाइपरलिंक क्लियर होगा। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो सिंपल। मुझे लग रहा है आज इतना काफी है आप लोगों के लिए।